स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे जो लांदड़ी टोल है, उस फिलहाल टोल के ऊपर खड़े हैं। और आपने बेराबा कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जो संदीप दीनवास था उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया, बहुत भारी चोट आई है। अब तक भी इसार इमरजेंसी में बता हुआ एडमिट है, लेकिन उसका कोई उसकी सुधार नहीं आया है उसकी है। और लेकिन लगातार थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, के फैसला बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आपको पूरा पूरा फैसला सुनाया जाएगा, एक बार आपने यहाँ का पूरा दिखाया जाए तो इस तरफ दिखाई देख बारी तो देख सब। पुलिस प्रशासन यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पहुंचा हुआ है पुलिस प्रशासन, और एक तरफ उगली साइड दिखाई बारी तो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में किसान भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि संदीप दीनवास की हालत में कोई सुधार नहीं आया है, दूनी उसकी हालत बिगड़ती जान लग रही है। इमरजेंसी में बताया फिलहाल हुआ है, लेकिन किसानों ने बहुत बड़ी कॉल कर दी है पूरे टोल प्लाजाओं के लिए, अपना पूरा पूरा फैसला बातचीत करने के लिए गई थी। वो बातचीत हमारे साथ जुड़ने के लिए जब हम कर रहे थे, जो टोल के मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, वो टोल के कर्मचारी, उनका रवैया इस तरह है कि मैं बातचीत करना ही को नहीं चाहते। बातचीत पूरी विफल रही, हमने हमारी मांगे रखी कि 24 घंटे हो गए, किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीएसपी साहब ने यह कहा कि गिरफ्तारी हम एक बार इंक्वायरी करांगे फिर गिरफ्तारी करांगे, तो ठीक है जी, इतना फिर आप भी बैठे हैं। और टोल का मैनेजर है, जो सीनियर मैनेजर है, वो एक नई बात काट के लाया है कि संदीप ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की है। इस बात में फिर डीएसपी साहब ने भी उसकी कहे है, तो बोले फिर तू कहल ककड़े था, तूने कहल एप्लीकेशन में लिखना था। आज यह झूठी और कोरी जो बिल्कुल बेबुनियाद बात लेकर आया है, इसीलिए हम बीच में बातचीत मगर भी इनका किसी भी तरह की कोई भी अपनी मांग पूरी नहीं करने लगे। अपना पक्का मोर्चा जारी रहेगा। जितने भी साथी वीडियो देखने लगे, पूरे हरियाणा के किसानों से मजदूरों से मैं अपील करूंगा कि जो भी नजदीक उनका टोल लगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में टोला पे पहुंचो, अपने टोल फ्री कराओ। सरसा जींद हिसार के सारे टोल फ्री है। वह लांदड़ी चिकनवास टोल के इलाके के जो लोग हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लांदड़ी चिकनवास टोल पर पहुंचे। प्रशासन अपनी किसी भी तरह की मांग मानने नहीं लग रहा, इसलिए अपना पक्का मोर्चा जारी रहेगा, अपना धरना जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। संदीप की हालत अभी तक कोई किसी तरह का सुधार आने को नहीं लग रहा, इमरजेंसी में वो एडमिट है। कल जब हमला आया, उस टाइम जब मैं पहुंचा तो उसकी बिल्कुल बुरी तरह से घसीट कर वो मैंने बेसुध हालत में मिला था, तो इतना ही वो बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं है। जब तब तक साथी की कोई किसी भी तरह का साथी की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता, तब तक अपना धरना जारी रहेगा। प्रशासन कोई मांग अपनी मानने में लग रहा है, इसलिए इन मांगों को मनवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लांदड़ी चिकनवास टोल पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद। साथियों।